हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में अब लेक्चर 5 की ओर बढ़ रहे हैं और लेक्चर 5 में हम लोग को जो टॉपिक लेना है वो है सर्किट डायग्राम। देखो स्टूडेंट, आप एक्सपेरिमेंट किए हो या फिर आप एक मॉडल समझो कि आपने एक ले लिया सेल, एवरेडी सेल समझते हो, एवरेडी सेल लिया और वायर लेकर के एक पोर्शन और एक बल्ब लेकर के वायर लिया और एवरेडी के दो साइड्स होते हैं यूं लो, है ना, सिंपल एक बैटरी, एक पॉजिटिव साइड होता है और एक निगेटिव, बैक निगेटिव साइड है, ठीक है। तो वायर को लेकर के हम पॉजिटिव साइड पर रखते हैं, बल्ब से कनेक्ट करते हैं और वायर को लेकर के हमने क्या किया, उसके निगेटिव साइड पर कनेक्ट किया। कैसे, देखो ये एक सिंपल सा सेल हुआ, है ना, आप सेल देखे हो गए ऑलरेडी, है ना, और उसमें इस तरह से यहाँ बना रहता है ना। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ से आप एक वायर लिया, वायर लेकर के आप एक बल्ब को कनेक्ट करोगे, ओके, कुछ ऐसा हमारा बल्ब होगा और फिर दूसरे पोर्शन में आप देखो नीचे नीचे दो डॉट्स होते हैं, एक पोर्शन प्लस को कनेक्ट होता है, दूसरा निगेटिव को कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये पीछे बैक पोर्शन से आपने कनेक्ट किया, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसको देखो इस तरह, यहाँ पर हम सिंबल से दिखा रहे हैं, यहाँ ये जो आपका सेल है, है ना, कुछ यहाँ पर ये सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, जो भी आप डिटेल पढ़ोगे, यहाँ ये जो वायर आपका निकल रहा है ये वो कंडक्टिंग पाथ वायर है, ठीक है। रेसिस्टेंस अभी आपको डिटेल दिया जाएगा, यहाँ बल्ब हुआ आपका, बल्ब के बाद यहाँ आकर के निगेटिव टर्मिनल पे जुड़ गया, यानी प्लस टू माइनस, जब सर्किट प्लस टू माइनस कनेक्ट होता है तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो करता है और ये बल्ब क्या होता है, ग्लो करता है, ठीक है। सो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब थोड़ा इसको बेटर एनालाइज करने के लिए इस इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, जैसे ये सेल, ये वायर्स, ये बल्ब्स, ठीक है। सो हम यही टॉपिक है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, और इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो कंपोनेंट्स है इसको सिंबलाइज किया जाता है। अब इसका मतलब समझो, देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल लिया और उसका पूरा डायग्राम, ये पूरा नहीं बनाते हम लोग सिंपली करते क्या है, टू स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक पॉजिटिव और दूसरा जो छोटा साइड होता है वो निगेटिव और जो लॉन्गर साइड है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, ओके। सो नेक्स्ट टाइम से आप बैटरी नहीं बैठ करके बनाओगे ऐसा कुछ फोटो। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल के बाद होता है बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो आपने क्या किया होगा, सिंपल कोई भी सिंपल सेल यूज करते हो ऑलरेडी, तो टॉर्च में डालते हो तो क्या करते हो, एक सेल डाला, उसके बैक में एक सेल डालोगे, फिर उसके बैक में एक सेल डालते हो, तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। यहां पर एक सेल है, ठीक है, ये देखो ये एक सेल हुआ, उसका पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट, इसके निगेटिव पोर्शन को अगले सेल से कनेक्ट कर लिया, है ना, ये निगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, और फिर अगला सेल फिर इससे कनेक्ट हुआ अगले सेल से। तो यहां देखो क्या है, यहां एक सिंगल सेल था, यहां तीन तीन सेल है और तीनों सेल को क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है, वो भी क्या, बैक टू बैक, एक के पीछे एक, इसको बोलते हैं सीरीज में होना, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ही हम लोग बोलते हैं बैटरी। यहां पर देखो इस सर्किट में ये जो दिख रहा है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बैक टू बैक कनेक्टेड, ये क्या है, सिंबल बैटरी, ठीक है। मतलब हम लोग बैटरी पूरा बैटरी एक साइड बैटरी नहीं बनाने जा रहे, हम लोग बस एक सिंबल बनाएंगे, अब आइडिया सेंस नोशन आ गया होगा कि क्या है। नेक्स्ट देखो, प्लग की और स्विच ओपन। देखो जब भी आप फैन ऑन करते हो या बल्ब, तो क्या करते हो, स्विच ऑन ऑफ करते हो ना। सो अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंबल से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो जब स्विच ओपन है या प्लग की और हम लोग का ओपन है, इसका मतलब क्या है, वो किस कंडीशन में होगा, वो होगा ऑफ कंडीशन, ठीक है, जो ऑफ रखते हैं ना वो हम लोग का इस तरह से सिंबलाइज करेंगे। और यही जब प्लग की या स्विच हम लोग का क्लोज हो जाएगा, यानी हम ऑन कर दिए हैं, सर्किट मींस कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से सिंबल, यहाँ बीच में क्या दे दोगे आप, डॉट। देखो यहाँ पर ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है, इसमें अगर ये डॉट ना हो मतलब आपका करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आप जैसे फैन है, है ना, आपने ऑफ कर दिया, क्या किया आपने, सर्किट जो प्लस टू माइनस का कनेक्शन है वो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑफ कंडीशन में चला गया। लेकिन यही अगर आप डॉट दे देते हो, यानी ये क्या हो गया, ऑन कंडीशन में हो गया, इसी को बोलते हैं प्लग की या स्विच का क्लोज होना, यानी चालू हो जाना, सर्किट कनेक्ट हो जाना प्लस टू माइनस, ठीक है।
नेक्स्ट अ वायर ज्वाइंट, ठीक है, जैसे हम लोग जब भी वायरिंग करते हैं तो मान लेता है कि एक वायर इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और किसी अगर कोई और कनेक्शन है और वायर इन पर आकर के भी कनेक्ट हुआ, यानी ये यहाँ ये वायर जा रहा है और यहाँ ये आकर के इसे कनेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर ये कनेक्शन है इन तीनों ज्वाइंट्स में, ठीक है, सो दिस इज अ वायर ज्वाइंट। लेकिन मान लो कि इधर वायर जा रहा हो वर्टिकली और इधर हॉरिजॉन्टली जा रहा हो, लेकिन हमको क्या करना है, इस वायर को और इस वायर को है ना टच नहीं करना है, तो मतलब जस्ट ऊपर से पास कर ले रहे हैं, उसके नीचे से पास कर ले रहे हैं, तो बस सिंबल को क्या कर देना है, इस तरह बैंक कर देना है। इसका सेंस होगा, नोशन होगा, ये कनेक्ट बीच में नहीं हुआ, क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब है, है ना, जब भी हम लोग बनाएंगे तो बल्ब ये सिंबल ना बना करके हम लोग क्या कर देंगे, ये जो हम सर्किट बता रहे थे आपको बल्ब, इसमें ये पूरा बल्ब का फोटो नहीं हम लोग बनाने जा रहे, हम लोग बस इस तरह हो गया, ये सिंबलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस एंड रियोस्टेट। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस एक ऐसा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करेंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, और दूसरा रियोस्टेट जिसको वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं, इसमें होगा क्या कि रेसिस्टेंस का एबिलिटी है फ्लो जो हो रहा है करंट का उसको रोकने का, स्टॉप करने का कुछ है ना, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको ओवरऑल सेंस दे रहे हैं कि रेसिस्टेंस ओके क्या है, वायर जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टिंग पाथ में उसके स्टॉपेज को स्लो करने का जो प्रॉपर्टी होता है, दिस इज रेसिस्टेंस। और हम लोग चाहेंगे तो उस रेसिस्टेंस को यानी जो हिंड्रेंस हो रहा है करंट के फ्लो का उसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, ठीक है। सबसे पहले आपको अभी फिगर 2 दिखाया जाएगा, उसको ध्यान दीजिएगा, सो स्टूडेंट जो आपने फर्स्ट फिगर देखा है दीज आर कॉल्ड रेसिस्टेंस, ये आप देखे होंगे ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ये छोटे छोटे यूज होते हैं स्पेशली ताकि हम लोग हिंडर कर सके करंट के फ्लो को, ठीक है। और जो सेकंड फिगर आपको दिखा वो था रियोस्टैट, जब आप एक्सपेरिमेंट्स अगर फिजिक्स का करवाया जाएगा तो आप देखना रियोस्टैट यूज करोगे और देखोगे किस तरह से हम रियोस्टैट को यूज करके सर्किट में करेंट को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। आपने देखा क्या होगा अभी फिगर में कि ऊपर से एक कैप टाइप का होगा, उस कैप को हम लोग मूव करा सकते हैं, तो आप सोचे कि उससे क्या होगा, समझो देखो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहां तुम्हारा रेसिस्टेंस है, दिस रेसिस्टेंस इज फिक्स्ड जो आप फर्स्ट फिगर में देख रहे थे, इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इसमें जो बैटरी लग गया जो रेसिस्टेंस यूज कर लिया जो करेंट फ्लो कर रहा है वो फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस वैल्यू चेंज होगा नहीं यहाँ पे, इस केस में रेसिस्टेंस फिक्स है। बट इस केस में क्या होगा, रियोस्टैट के केस में ये जो कैप है वो बेसिकली करेगा क्या, रेसिस्टेंस देखो जिगजैग बनाया है, तो क्या सिंबल जिगजैग बनाने का मतलब पाथ क्या हो गया, एक टाइप का डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। अब जितना ज्यादा जिगजैग का लेंथ होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में ये जो वायर आ रहा है इसको उठा करके हम रखा यहां पर इस पोर्शन पर कनेक्ट किया, जब इस पोर्शन पे मैंने कनेक्ट किया तो देखो सर्किट तुम्हारा क्या बना, यू यहां पर डायरेक्टली ड्रॉप हुआ, तो ये तो पार्ट का कोई मतलब नहीं, यानी इस रेसिस्टेंस पार्ट का यूज नहीं होगा, तो दिस पार्ट विल बी वर्केबल, तो ये रेसिस्टेंस पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट वही कैप को जब हम लोग शिफ्ट किया फॉर सपोज लेकर के आगे यहां पर, तो क्या होगा रेसिस्टेंस का ये लेंथ यूज हो जाएगा, ये जो जिगजैग पाथ है वो बढ़ गया, तो इससे क्या होगा रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, सो दैट वाज द कैप जिससे हम लोग रेसिस्टेंस के लेंथ को कम और ज्यादा करते हैं, ज्यादा लेंथ यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज होगा तो करेंट कम हो जाएगा, अगर रेसिस्टेंस के लेंथ को कम यूज करेंगे तो करेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट रियोस्टैट, एमीटर वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इसके बारे में समझ लेते हैं, अमीटर यूज फॉर मेजरिंग करंट, गैल्वेनोमीटर फॉर स्मॉल करंट, जब करंट बहुत कम हो उस केस में गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का और भी यूज करते हैं कि करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए, फॉर सपोज कि
करेंट तुम्हारा, ये देखो करेंट जो जा रहा है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो गैल्मीटर के अंदर होता है नेडल, ये नेडल इस ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। करेंट का डायरेक्शन अगर तुम्हारा राइट टू लेफ्ट है, सो करेंट का यहाँ पर जो नेडल है वो भी गैल्मीटर का टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। सो करेंट एक तो स्मॉल करेंट को मेजर कर सकता है, दूसरा करेंट के डायरेक्शन को भी मेजरमेंट कर सकता है। ओके, और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब यहां पर एक और पॉइंट है, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में। अब आपके लिए दो वर्ड्स थोड़ा न्यू है, बट हम इसको सिंपल वे में आपको समझाते हैं। देखिए आपका ये जो करंट का पाथ, सर्किट क्लोज है तो करंट इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और अमीटर को करना क्या है, अमीटर को करंट मेजर करना है। तो जो सर पाथ जा रहा है उसी मिडिल में हमको क्या करना होगा, हमको कंप्लीट पाथ से ही करंट का मेजर पास हो रहा है, तो हम कोई और दूसरा पाथ नहीं लगा सकते ताकि हम वहां पर करंट मेजर करेंगे। अमीटर मान लेते हैं एक ऐसे पाथ, एक वायर ऐसे बीच में क्रिएट कर दिया और यहां से करंट अमीटर यहां लगा दिया, ठीक है, तो यहां तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा, हमको जब हम सर्किट में मेजरमेंट करना है तो अलग से पाथ क्यों क्रिएट करेंगे, ये अलग से पाथ जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं दिस इज समथिंग कॉल्ड पैरेलल। और अगर यहां ना यूज करके कहां यूज कर लेंगे, डायरेक्ट आप यूज कर लो, ये अलोंग द पाथ ही आप यूज किया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कि अमीटर को आपने सीरीज में किया। वी विल लर्न इन रेसिस्टेंस सेक्शन दैट व्हाट टू मीन बाय सीरीज एंड पैरेलल एंड ऑल दैट, जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो यू विल बी क्लियर विद दैट, ठीक है। ये सिंपल वर्ड्स में आपने समझा कि अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा, करंट को मेजर करना है तो पाथ में ही लगाना होगा, ठीक है। सेकेंड वन कि गैल्वेनोमीटर नहीं, ये वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल में होता है। यू नो कि वोल्टमीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी बिटवीन सम टू पॉइंट्स, ठीक है। तो फॉर सपोज कि ये जो रेसिस्टेंस है, यहाँ हम ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये पैरेलल में हम लगा देंगे वोल्टमीटर, दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करना है, ठीक है। अब बोलोगे हम ये ना यूज करके, ये दिस इज पैरेलल, ठीक है। अब बोलोगे हम यहाँ नहीं यूज करेंगे, हम कहाँ यूज करना चाहते हैं, हम यहाँ यूज करना चाहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने एक सिंगल ही पॉइंट पर है ना, आप वोल्ट मीटर कहाँ लगाए, ये कहे तो एक सिंगल पॉइंट पर ही लगा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए टू पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। सो यू शुड यूज सम पैरेलल कनेक्शन, सो दैट इज वोल्ट मीटर इज यूज्ड इन पैरेलल। अंदर के कंस्ट्रक्शन में भी है कुछ मतलब डिटेल्स, सो ईजली हम इन बातों को, सीरीज और पैरेलल की बातों को, अमीटर ऑफ वोल्ट मीटर को याद रखेंगे। इट विल बी आस्क्ड इन योर लैब दैट अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल। व्हाइल वी विल डिस्कस द रेसिस्टेंस, वी विल गो थ्रू द मीनिंग ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, थैंक यू।